वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता ड्राइंग एंड पेंटिंग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और मैं फिर से एक नया वीडियो आज लेकर आई हूँ। और मैं जो आज वीडियो बनाने जा रही हूँ वो ऐसे एक जीव का है जो पेड़ों पर इधर उधर फुदकती रहती है, आपको पता चल गया होगा, गिलहरी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, चलें। गाजर खाती हुई गिलहरी का चित्र बनाने के लिए पेंसिल से सबसे पहले गिलहरी का स्केचिंग बनाने का प्रयास करेंगे और ये गिलहरी का शरीर और ये पूंछ इस तरह से बनाएंगे। उसके आगे के दो हाथ, पीछे के दो पैर, इस तरह से इसको बनाते हुए वो एक कटे हुए पेड़ पर बैठी है, उस पेड़ को भी पेंसिल की मदद से स्केचिंग करेंगे। और ये पूरा हुआ, अब स्केच पेन, ऑरेंज कलर का स्केच पेन से इस तरह से इसको बनाएंगे। सबसे पहले आउटलाइन करेंगे, ये आउटलाइन, पैर भी और उसके हाथ भी, हाथ में गाजर पकड़े हुए है और उसकी आँखें काले रंग के स्केच पेन से, और थोड़ा नीला कलर आँखों में, इस तरह उसकी आँखें बनेंगी। और अब ऑरेंज कलर के स्केच पेन से ही कलर भरेंगे, बाद में पीले रंग से थोड़ा शेडिंग करना होगा। उसके चेहरे पर से कलर भरते हुए नीचे की तरफ आएंगे, जो छूटा हुआ चेहरे पर है कलर उसमें पीला रंग भरा जाएगा बाद में। इस तरह से कलर अब पीले रंग से चेहरे को भरेंगे और नीचे भी इस तरह से कलर भरते जाएंगे। ये गिलहरी का चित्र लगभग पूरा होने को है। उसके पैरों में भी कलर करेंगे इस तरह, गाजर। और अब लाल रंग के स्केच पेन से कलर करेंगे, थोड़ा आउटलाइन को गहरा रंग से करते जाएंगे। इस तरह गाजर को भी ऑरेंज कलर से, और उसके गाजर के ऊपर जो पत्ते लगे होते हैं उसको ग्रीन कलर से इस प्रकार करेंगे। अब नीचे के पेड़ को बनाना है, जो कटा हुआ पेड़ है उस पर वो बैठी है गाजर पकड़कर, उसे इसमें तीन कलर का प्रयोग किया गया है, लाल, ऑरेंज, हल्का गुलाबी और भूरा रंग। इस कटे हुए पेड़ को कलर करेंगे इस तरह, कलर भरते जाएंगे, कलर को मिलाते हुए कलर करेंगे ताकि वह कटे पेड़ की तरह दिखाई दे। इस प्रकार नीचे पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत हरी भरी घास है, उसे ग्रीन कलर, गहरे कलर के ग्रीन कलर से करेंगे। इस तरह नीचे ज़मीन में भी थोड़ी बहुत घास है,
उसे करते जाएंगे। अब लाल रंग के स्केच पेन से इसमें भी पेड़ पर थोड़ा शेडिंग करेंगे। गुलाबी रंग के स्केच से गिलहरी के आउटलाइन को एक बार फिर से थोड़ा सा फिनिशिंग टच देंगे। दोस्तों ये पूरा हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप बताएंगे। नमस्कार।